Hello friends, pre-operative tissue diagnosis, what are the methods? आपने कभी सुना हुआ होगा कि आपके डॉक्टर्स ने कभी आपको FNSC करने को बोला है या कोई चीज़ के लिए बायोप्सी करने को बोला है. सो विल सी वॉट इज दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ pre-operative tissue diagnosis methods. वन इज FNSC, सेकेंड इज टू कट बायोप्सी और कोर नीडल बायोप्सी, थर्ड इज इंसिजन बायोप्सी एंड फोर्थ इज एक्सीजन बायोप्सी. ये क्यों किए जाते हैं? ये इसके लिए किए जाते हैं कि आपका जो बीमारी है उसमें बीमारी नॉर्मल है या इसमें कोई कैंसर है. अगर कैंसर है तो उसमें कुछ और टिश्यू डायग्नोसिस के अपने को प्री ऑपरेटिव रिपोर्ट्स मिलने चाहिए. इसके लिए ये टिश्यू डायग्नोसिस मेथड यूज़ किए जाते हैं. FNSC, ये FNSC क्या होता है? FNSC एज द नेम सजेस्ट, फाइन नीडल्स एस्पिरेशन साइटोलॉजी. कोई भी गांठ जहाँ पर सिस्टिक लीजन है वहाँ पे हम लोग एक नीडल डाल के उसका पानी एस्पिरेट करते हैं और वो उसको स्लाइड्स के चेक ऊपर माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं फ्रीज करने के बाद में. तो उसमें अपने को पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज देयर, इसमें कैंसर है या नहीं है या कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है. दूसरा जो बायोप्सी का टेस्टिंग है जो बोलते हैं ट्रू कट बायोप्सी और कोर नीडल बायोप्सीज. जो लीजन्स सॉलिड होते हैं या हार्ड होते हैं जिसमें फ्लूइड नहीं होता है उनमें नॉर्मली ये चीज़ की जाती है जिसको बोलते हैं ट्रू कट बायोप्सी और कोर नीडल बायोप्सी. इसमें 6 डिफरेंट टाइप्स के कोर्स एक छोटे से इंसिजन में से वो मांस में से या सॉलिड ऑर्गन में से या ट्यूमर में से निकाले जाते हैं टुकड़ा करके ऐसे छोटा छोटा. इट इज़ डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, पेनलेस प्रोसीजर, नो नीड फॉर एडमिशन. इसमें जो टिश्यू निकालते हैं वो हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. वो टिश्यूज़ के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है और बताया जाता है कि वेदर दीज आर कैंसरस ट्यूमर्स और नॉन कैंसरस ट्यूमर. ये ऑपरेशन से पहले हम लोग डायग्नोस करते हैं सो दैट ऑपरेशन के बाद में उसका जो रिपोर्ट्स आता है वो हिसाब से उनका ऑपरेशन प्लानिंग किया जा सकता है. थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू बायोप्सी इज इंसिजन बायोप्सी. ये बहुत पहले के ज़माने में ऐसे होता था जब ये ट्रू कट नीडल बायोप्सी या कोर नीडल बायोप्सीज वर नॉट अवेलेबल और जहाँ पे FNSC के टिश्यूज़ बहुत मिनिमल आते थे जिसमें ओपिनियन कैनॉट बी गिवन, ऐसे रिपोर्ट्स आते थे या ओपिनियन के लिए टिश्यू बहुत कम होता था. तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोकल एनेस्थीसिया लेके वो जो ट्यूमर है उसको थोड़ा सा कट किया जाता था और टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था. विद इन 5 to 7 days वो रिपोर्ट्स आते थे, उसके बाद में उसका इमीडिएटली ऑपरेशन किया जाता था. चौथा जो ये जो इंसिजन है इंसिजन बायोप्सी का, वो ऐसी जगह लिया जाता था कि आगे जाके वो इंसिजन जो है फाइनल ऑपरेशन में इंक्लूड किया जाएगा. चौथा जो बायोप्सी का टेस्टिंग का मेथड है वो है एक्सीजन बायोप्सी. एक्सीजन बायोप्सी इसी लीजन के लिए किए जाते हैं कि जो लीजन हम लोग कंप्लीटली निकाल लेंगे और वो टिश्यू सेपरेट भेजेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन नाउडेज एरा वी गो फॉर ट्रू कट बायोप्सीज और रेयरली FNSCs इफ देयर आर सिस्टिक लीजन्स. इंसिजन बायोप्सीज एंड एक्सीजन बायोप्सीज आर नाउडेज रेयर. ये जो सब डायग्नोसिस किए जाते हैं ये आपके लिए किए जाते हैं, आपके ऑपरेशंस के डिसीजन ये डायग्नोसिस जो होते हैं ये बायोप्सी के ऊपर डिपेंड होते हैं. ऐसे ही जो बायोप्सीज होते हैं इसके कुछ वीडियोस हम लोग दिखाएंगे. हमारे साथ में रहिएगा. थैंक यू.